Hello friend, I myself Sujit, physics mentor, motivational speaker and author. In this video we discuss about question number 65 of IRODOV. A plank of mass m1 with a bar of mass m2 placed on it lies on a smooth horizontal plane. A horizontal force growing with time at s equals to 80, a is constant, is applied to a bar. Find how the acceleration of the plank w1 and the bar w2 depends on time. If the coefficient of friction between the plank and the bar is equal to k, draw the approximate plot of these dependence. इस प्रॉब्लम में m1 और m2 दो ब्लॉक है. m2 पे एक फोर्स लग रहा है f80, जो कि टाइम डिपेंडेंट फोर्स है. ये फोर्स टाइम डिपेंडेंट है. m1 और m2 के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा उसका वैल्यू k m2g होगा. m2 पे फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा और m1 पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, ठीक है. और m1 का जो मोशन है, m1 में जो एक्सेलरेशन आएगा वो फ्रिक्शन के कारण आएगा. m1 का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा, m1 into w maximum equals to friction force maximum. तो friction force, maximum friction force जो m1 पे लग रहा है इसका वैल्यू है k m2g. तो maximum acceleration m1 का आ जाएगा k m2g by m1. ये maximum acceleration हो गया M1 का, ठीक है. ये पूरा का पूरा सिस्टम साथ साथ मूव करे, कब तक ये पूरा का पूरा सिस्टम साथ साथ मूव करेगा? तो 80 इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. टोटल मास मीन्स M1 प्लस M2 इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन. मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसको T0 कर दें. ये T0 टाइम तक ये पूरा का पूरा सिस्टम साथ साथ मूव करेगा. तो T0 का वैल्यू यहां से आएगा M1 प्लस M2 बाई A, और W मैक्सिमम का वैल्यू K M2G बाई M1 ऑलरेडी आ रखा है. तो ये T0 का वैल्यू आ गया. इतने देर तक ये सिस्टम साथ साथ मूव करेगा, ओके. इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? यदि टाइम का वैल्यू T0 से कम होता है तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सिस्टम का एक्सेलरेशन at इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलरेशन. मींस एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम टिल T0 टाइम इक्वल टू at बाय m1 प्लस m2. मींस अप टू दैट टाइम बोथ ब्लॉक m1 एंड m2 मूव टुगेदर विथ दिस एक्सेलरेशन, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, ओके. इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में यदि टाइम का वैल्यू T0 से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? ये दोनों का दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेगा, डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा. दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा जब टाइम का वैल्यू T0 से बड़ा है? इस केस में दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेगा. M2 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. इस पे 80 फोर्स लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू K m2g लग रहा है. तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 80 माइनस K m2g इक्वल टू m2 इंटू w2. w2 मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ m2. 80 माइनस K m2g बाय m2. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ m2 आफ्टर टाइम T0. इसके बाद M1 का एक्सेलरेशन क्या होगा? M1, M2 का एक्सेलरेशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया. M1 अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ अब मूव करेगा, और M1 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है K m2g बाई m1. ये आ जाएगा, ये M1 का एक्सेलरेशन होगा जब T का वैल्यू T0 से ज्यादा होगा.
क्वेश्चन नंबर 65 के अगले पार्ट में कहा जा रहा है ग्राफ ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। t इक्वल टू t नॉट तक दोनों का दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा, एक्सेलरेशन और टाइम दोनों बढ़ेगा, लेकिन t नॉट के बाद m1 का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा और m2 का एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा। ये w1 है, ये w2 है, ये टाइम t नॉट होगा, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन का पॉइंट है जिसका की वैल्यू k m2g by m1 होगा। ओके,